नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक खबर वायरल हो रही है कि सिवान में 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और सिवान के लोग काफ़ी परेशान हैं इस खबर से लेकर कि आखिर लॉकडाउन हुआ है कि नहीं। हालांकि इस मैटर पे जब सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस न्यूज़ को फेक न्यूज़ बताया। उन्होंने बताया कि सिवान में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है और जब भी इस तरह की कोई जानकारी होगी तो लोगों को इसके सोशल मीडिया प्रेस ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी सिवान वासियों को दी जाएगी। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि सिवान में सुबह से ही व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है कि सिवान में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं क्योंकि सिवान जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई मैसेज सामने नहीं आया है, ना ही मीडिया में आया है और ना ही सोशल मीडिया पर आया है। लोग काफ़ी परेशान हैं, कन्फ्यूजन में हैं। जब इस मैटर पे सिवान डीएम अमित कुमार पांडे से बात की गई तो अमित कुमार पांडे ने साफ तौर पे कहा कि ये फेक न्यूज़ है। और हम आपको ये दिखाते हैं कि सिवान डीएम से हमारी बात हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सिवान डीएम से हमारी बात हुई है और सिवान डीएम ने साफ तौर पर ये लिखा कि ये जो मैसेज है, ये जो वायरल किया जा रहा है, ये फेक न्यूज़ है। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस ऐसे ही कोरोना पर लगातार आपको अपडेट देते रहेगा। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।